जी 9th क्लास, अभी हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। अब इसके साथ हमारे पीछे से चैप्टर में न्यूमेरिकल रहते हैं, तो हमारी एग्जांपल आज हमने करनी है 2.2। ठीक है, 2.1 एंड 2 हम कर चुके थे, 2.1 एग्जांपल एंड असाइनमेंट कर चुके थे, आज हमने करनी है 2.2 एग्जांपल करनी है। ठीक है, आप बुक ओपन करें, बुक का आपका पेज नंबर है 39। ठीक, पेज नंबर 39। ठीक, क्वेश्चन लेंथ ही है इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं लिख रही, आप बुक ओपन करें, आपको क्वेश्चन सामने नजर आ रहा होगा। सो क्वेश्चन है आपके पास, स्ट्रेट ट्रैक इज 1200 मीटर इन लेंथ। कहते हैं एक सीधा ट्रैक है, एक सीधी सड़क है जिसका टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास, एक सीधी सड़क है, ठीक है, 1200 मीटर उसकी लेंथ है। स्ट्रेट ट्रैक इज 200 मीटर इन लेंथ। रनर बींग एट द स्टार्टिंग लाइन रन ड्यू टू ईस्ट ऑफ द फुल लेंथ ऑफ द ट्रैक। ठीक है, ईस्ट किधर है, इधर है, एक रनर है जो यहाँ से इस ट्रैक पे पूरा जाता है। ठीक, उसके बाद टर्न अराउंड एंड रन हाफ बैक। ठीक है, और वो रनर क्या करता है, इस सड़क पे सीधा जाता है, जाके फिर यहाँ से मुड़ता है और हाफ पे आता है। ठीक, हाफ पे आता है, एंड द टाइम फॉर दिस रन इज 5 मिनट। और इसका टाइम कितना है, 5 मिनट का है। ये जब इसका हाफ लेगा तो इसका मतलब है वो 6 मीटर वापस आया है। और इसका टाइम कितना है आपके पास, S1 अगर मैं इसे डिस्टेंस कह दूँ, S1 गिवन है 1200 मीटर का, ठीक है, S2 उसने कवर किया 600 मीटर का, टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, डेल एस, या टोटल डिस्टेंस आप कह दें, टोटल डिस्टेंस S इक्वल आ जाएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 600, तो क्या आ जाएगा, 1800 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया। वो पहले यहाँ से यहाँ पे आया, फिर उसके बाद यहाँ पे आया, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 18 मीटर का। एंड द टाइम फॉर दिस रन, और इसका टाइम क्या था आपके पास, 5 मिनट का टाइम था। ठीक है, अब ये 5 मिनट है, हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड में, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आपके पास आ जाएगा 300 सेकेंड। ठीक है, ऐसे यूनिट टाइम की क्या है, सेकेंड, तो हम इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सो टाइम क्या हो गया, 300 सेकंड। फाइंड क्या करना है, ये तो था गिवन, रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड है जी फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक, एंड एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, स्पीड करनी है।